बात करते हैं कि कैसे हम डार्क सर्कल्स और पफी आइज़ यानी फूली हुई आंखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि डार्क सर्कल्स और पफी आईज बनने की वजूहत क्या हैं और ये डार्क सर्कल्स आखिर बनते क्यों हैं बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये सब स्ट्रेसफुल लाइफ थकावट और नींद की कमी की वजह से होता है लेकिन इसके अलावा और भी ढेर सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से आपको ये मसला पेश आ सकता है अगर आपकी किडनीज में कोई मसला है और वो अपना काम सही तौर पर सर अंजाम नहीं दे रही तो बॉडी में पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और ये पानी फिर जाके आंखों के इर्द गिर्द जमा होता है जिसकी वजह से पफी आइज बनती हैं और बाद में ये डार्क सर्कल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसके बहुत सारे ग्लैंड की एक बीमारी है जिसको हाशिमोटोस डिजीज कहा जाता है इस कंडीशन में आंखों की लिम्फेटिक सिस्टम की ड्रेनेज ठीक से नहीं होती तो पानी वहां पे कड़ा रहता है जो पफी आइज और डार्क सर्कल्स की वजह बनती है अगर डार्क सर्कल्स और पफी आइज की सबसे कॉमनेस्ट वजह की बात की जाए तो वो है

के लेवल बढ़ने से होता है अब असल चीज के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डार्क सर्कल्स और पफी को ख़त्म कर सकते हैं सबसे पहले आपको चाहिए कि आप मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर पानी को अपनी तरफ खींचती हैं जिसकी वजह से पानी आंखों के इर्द गिर्द जमा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेवल इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाती हैं जो की बजाते पफी आइस की एक वजह है दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो ये कि आपको ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिसमें पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो यानी ग्रीन मशरूम एवकॉर्डोज वगैरह इन सारी चीजों में पोटाशियम का लेवल काफी ज्यादा होता है एवकॉर्डो में तकरीबन 800 मिलीग्राम पोटाशियम पाया जाता है आलू और केले में भी पोटाशियम पाया जाता है लेकिन इनमें शुगर का लेवल भी बहुत ज्यादा होता है इसलिए इनको एवॉड करना चाहिए आखिरी काम जो आपको करना चाहिए वो है इंटरमीडियन फास्टिंग यानी वक्फे वक्फे सेकाना इंटरमीडियन फास्टिंग आपकी शुगर और इंसुलिन लेवल को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स बनने के चांसेस कम होते हैं ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो चांसेस हैं कि डार्क सर्कल्स और पफी आइस काफी हद तक कम हो जाएं। डार्क सर्कल्स खत्म होने में तीन से चार हफ्ते लग सकते हैं इसलिए आपको ये प्रोसेस लंबे अरसे तक करना चाहिए उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा इस तरह की मजीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें शुक्रिया